अधूरी रह गई कथा और वियान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कथा और वियान की लव स्टोरी में बड़ा मोड़ आ गया दोस्तों, और अब कथा करेगी फैसला वियान के साथ शादी ना करने का। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आखिरकार माया मासी ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया, मगर ये कामयाबी का झंडा वाकई कामयाबी का है, क्योंकि जिस पर्पस के साथ उसने किया था वो पर्पस तो सॉल्व हो गया। कथा ने वियान को छोड़ दिया, तो क्या वियान अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? वियान जो कथा से बेइंतहा प्यार करता है, क्या वो माया मासी को माफ कर पाएगा? क्या माया मासी फिर से वियान के साथ उसी रिश्ते के साथ कंटिन्यू कर पाएगी? ये सारे सवाल आने वाले समय में मिलेंगे दोस्तों आपको, क्योंकि जो कुछ भी किया है माया मासी ने, माया कहना ज्यादा जायज होगा, जो कुछ भी किया है इसमें किसी का भी भला नहीं हुआ है। रीत जिसने इतना बड़ा पार्ट खेला, क्यों खेला उसने इतना बड़ा पार्ट? सिर्फ जायदाद के लिए? माया के हाथों की कठपुतली बन गई रीत, और अपने ही घर में अपने ही पति के साथ छल कर दिया, और उसको इतना प्रवोक किया कि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि वियान की जान पे बन आई। पति जेल में बैठा है और रीत मुंह से एक बोल भी नहीं फूट रही है। पति को जेल भिजवाना ही क्या रीत का मकसद था? नहीं था, मगर अब अपने कर्मों का भुगतान कर रही है रीत, मगर बोल फिर भी नहीं रही है, क्योंकि डर लग रहा है बोलेगी तो क्या बोलेगी। और माया जिसने एक छोटे बच्चे को, जो कि इतनी बड़ी ट्रीटमेंट से जीत कर आया है, कैंसर जैसी लड़ाई लड़ के आया है, उसको इतना बड़ा शॉक देने की जो है प्रैक्टिस कर रही है। ये लोग ह्यूमन कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं? इस जो भी कांड जो भी कुछ कर रही है माया मासी, इसके ऊपर अपनी जीत को अगर वो जीतती भी है तो उससे मिलेगा क्या? कमिंग अप में हमने देखा एसन ने बता दिया कि ये माया मासी का काम है। तेजी कथा को थैंक यू ग्रेटिट्यूड दे रही है कि तेजी कह रही है कि तुम कथा की वजह से तुम आज जिंदा हो। कहने का मतलब तेजी भी मान गई है। अब बचा कौन? माया। माया ने अपने बेटे को जो है सेफ गार्ड नहीं किया, इसलिए उसने वियान के साथ वो पूरा गेम खेला एंड तक बिना किसी के इमोशन को जाने हुए। ऐसा घटिया करेक्टर जो है बहुत डेंजरस होता है। जो मुंह पे इतना शांत इतना सॉफ्ट होता है और अंदर से इतना खतरनाक। तो माया ने जो कथा के दिमाग में बात बिठा दी है आरव को लेके, यही बात कथा को वियान से शादी करने से मना करेगी, क्योंकि अगर आरव बड़ा होता है तब उसको ये बात पता चलती है, या जब भी पता चलती है तो आरव के लिए ये बात सहना मुश्किल है कि मेरी माँ ने ये कॉम्प्रोमाइज किया मुझे बचाने के लिए। ये कथा के दिमाग में है, और ये भी है कि वो उसके बाद फिर अपने पापा से नफरत करेगा। ये सब सोच के कथा हाँ नहीं कहेगी शादी के लिए, चाहे कोई भी, चाहे माया खुद चली जाए कथा के पास। मगर अब जो है कथा शादी के लिए हां नहीं कहेगी, और अब यह कहानी अधूरी है, और अधूरी कहानी को पूरा करने में ही जो एफर्ट्स होंगे वही हमें आने वाले एपिसोड्स में दिखाई देंगे। और यह कहानी पूरी तो होगी, मगर तब होगी जब आरव के पास पूरा सच होगा, कथा के दिमाग से पूरी बात जो है डिलीट होगी, तब जाके ये कहानी पूरी होगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।